हरियाणा कांग्रेस की परिवर्तन रथ यात्रा गुरुग्राम से एम्बियंस मॉल से शुरू हुई। ये रथ यात्रा राजीव चौक बादशाहपुर सोना होते हुए नू तावड़ू रेवाड़ी बाबल महेंद्रगढ़ नारनौल तक जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से हरियाणा कांग्रेस लोगों के बीच जाकर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। एक ही बस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ।
इसलिए इस सरकार को हमें चलते कर देना है। दुनिया में मैंने प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में कहा कि जब आप प्रधानमंत्री नहीं होंगे और जब कमीशन बैठेंगे तो बीजेपी की सरकार दुनिया में सबसे भ्रष्ट सरकार मानी जाएगी। आज 1 बजे आप तमाम पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनना, शायद कहीं मोबाइल पे वो लाइव भी आएगी, आपको खुलासा होगा कि दुनिया का नोटबंदी का सबसे बड़ा स्कैम, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो है, जिसके बारे में चर्चा कई दिनों से हुई, महीनों से हुई, सालों से हुई, पार्लियामेंट के अंदर हुई, पार्लियामेंट के बाहर हुई, आज उसका खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से उसमें लूट हुई, चोर हुई और दुनिया का सबसे 4.25 करोड़ नोटबंदी और जीएसटी से 4.25 करोड़ हमारे जो रोजगार थे वो खत्म हो गए। मोदी जी ने बात करके एक स्कूल की घटना वो भी यहीं पर हुई है। हरियाणा में बार बार जिस तरीके से भाईचारा खराब किया, इस इलाके के अंदर कभी मस्जिद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर, और 2-3 दिन पहले धुलंडी के दिन जिस दिन होली लोग खेल रहे थे, इसी गुड़गांव की धरती है बादशाहपुर के पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खून की होली खेलने का काम किया। और कल हम वहां पर गए थे, कप्तान साहब और हम सारे लोग और भी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पहले गए, पुलिस कोई कार्रवाई वहां पर नहीं करी। 32 बार उन लोगों ने स्टोन नंबर पर डायल किया, 32 बार भी फोन जाने के बाद पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट उनकी ठीक हुई, ना उनका ठीक से इलाज हुआ। यहाँ इस प्रदेश में सर जंगल राज है और हम आपसे अपील करते हैं, आपके पास वो ताकत है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राज्यसभा के अंदर, कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से उन तमाम दोषी अधिकारियों को बुलाइए, उनको सम्मन करिए। जिस तरीके से आपने पहले हरियाणा का प्रभारी रहते हुए या मेवात से लेकर के पूरे इलाके में, जब बाबरी मस्जिद ढहने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जंगल में भगाया गया था, आपने उस समय भी कार्रवाई करी थी। और मैं समझता हूँ कि एक बार फिर आज राहुल जी के नेतृत्व में, आपको सोनिया जी के मार्गदर्शन में जो जिम्मेदारी दी, आप